यहाँ पर मैंने मैग्निज्म करवाया था, तो तुम लोग को कुछ टॉपिक्स बताए थे जो एग्जाम में आने वाले हैं, याद है क्या? ठीक है, तो जब हम लोग बोलेंगे कि मैग्निज्म से एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहली चीज क्या है? रूल। कितने रूल? तीन। ठीक है, तो जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या आएगा? सबसे पहले प्रायोरिटी पे सबसे पहले आ सकते हैं क्या? रूल्स। रूल्स कितने हैं हमारे हाथ में? तीन। कितने हैं रूल्स? तीन। सबसे पहला मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब, इसको हम लोग स्क्रू रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रू। ठीक है, टू। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरा कौन सा रूल? फ्लेमिंग के दो रूल। कौन से? एक लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल हम लोग फोर्स निकालने के लिए यूज करते हैं, राइट हैंड रूल हम लोग इंड्यूस्ड करंट के लिए, इंड्यूस करंट मतलब राइट की कहानी करेंगे कब? जब हमको यहाँ वहां कहीं तो भी क्या दिख जाएगा? वर्ड इंड्यूस। इंड्यूस। क्या दिख जाएगा? वर्ड इंड्यूस। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? सपोज यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। क्या बोला? आई एम होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हाट एम आई होल्डिंग? अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन माय राइट हैंड, सच दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, करंट नीचे जा रहा है तो थंब नीचे, करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ऐसा, करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो ऐसा। थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ current, then the direction in which the fingers curl, then the direction in which the fingers curl would give me the direction of the magnetic field, would give me the direction of the magnetic field. Starting से पूरा statement बोलूँ, क्या बोला? Suppose you are holding a current carrying conductor in your right hand. Suppose you are holding a current carrying conductor in your right hand. Such that the thumb gives the direction of the electric current, then the direction in which the fingers curl, then the direction in which the fingers curl would give me the direction of the magnetic field. ये क्या हुआ इसका statement? ठीक, अब समझो ध्यान से, अगर मेरा current ऊपर जा रहा है, अगर मेरा current ऊपर जा रहा है तो thumb कहाँ जा रहा है? देखो ऊपर की तरफ, मेरी fingers इस तरीके से curl हो रही है। अब इसी केस को ध्यान से देखना, क्योंकि मेरी फिंगर्स इस तरह से कर्ल हो रही है तो ये कौन सा साइड है? राइट। ये कौन सा है? लेफ्ट। करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रही है? राइट टू लेफ्ट। कहाँ जनरेट हो रही है? राइट टू लेफ्ट। इसी कहानी को हम लोग राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हैं, इसी कहानी को हम लोग ईस्ट टू वेस्ट भी बोल सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, पकड़ना कंडक्टर, ठीक है ना, अगर बोलते हैं क्या ये करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट क्या जा रहा है? ऊपर। करंट अगर ये ऊपर जा रहा है तो करंट कंडक्टर के राइट हैंड साइड और कंडक्टर के लेफ्ट साइड, दो साइड है कंडक्टर के, एक है कंडक्टर का राइट साइड और एक है कंडक्टर का लेफ्ट साइड। कंडक्टर के राइट साइड पे देखो फिंगर्स बाहर आती हुई दिख रही है, दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे फिंगर्स अंदर जाती हुई दिख रही है, दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्या बोला? ये कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर का राइट साइड कौन सा है? ये वाला। कंडक्टर का राइट साइड कौन सा है? ये वाला। कंडक्टर का लेफ्ट साइड कौन सा है? ये वाला। राइट साइड पे फिंगर्स बाहर आती हुई दिख रही है, लेफ्ट साइड में फिंगर्स अंदर जाती हुई दिख रही है, तो क्या बोलेंगे? राइट साइड पे आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, लेफ्ट साइड पे इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इज दैट क्लियर? अच्छा, यही कहानी है तो करंट नीचे जाती तो उल्टी हो जाती, पहला लेफ्ट टू राइट, वेस्ट टू ईस्ट, कंडक्टर के लेफ्ट पे आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, कंडक्टर के राइट पे इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर करंट ईस्ट टू वेस्ट जाता, अगर करंट ईस्ट टू वेस्ट जाता तो कहाँ पे? नॉर्थ टू साउथ, टॉप टू
बॉटम, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, टॉप टू बॉटम, अबव द कंडक्टर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द कंडक्टर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इज दैट वेरी क्लियर? मुद्दा, इसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल क्यों बोलते हैं? इसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपका करंट ऊपर जाता है तो आपकी जो फिंगर्स है वो ऐसे कर्ल होती है, जब तुम कोई स्क्रू खोलोगे तो हमेशा देखना, जब तुम ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू बाहर आ जाएगा और जब ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू अंदर चला जाएगा, यानी कि जब लाइन ऐसी होती है तो करंट नीचे होता है, जब लाइन ऐसी होती है तो करंट ऊपर होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्रू रूल कहते हैं। सॉर्टेड, अगली कहानी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किन तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मुझे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है? क्या क्या बोला था यहाँ पर? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये इन तीन चीजों के बीच का क्या बताएगा? रिलेशनशिप बताएगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है? सबसे पहले जब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बोलेंगे स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। क्या बोलेंगे? स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? If your forefinger represents the direction of the magnetic field, your middle finger represents the direction of the current, then the direction in which the thumb points, then the direction in which the thumb points gives the direction of the force. Give the direction of the force. ठीक है क्या? Forefinger, magnetic field, middle finger, current, thumb, force. जब भी मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला रूल लगाओगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, जब भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दोगे, अनलेस इट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिखेगा जहां पर तुमको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड ही दिखा दो, तो वहां पर तो आप मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको करंट निकालना है या क्वेश्चन में आपको फोर्स दिया हुआ है तो प्रायोरिटी पे आप क्या करोगे? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दोगे? फिक्स। हमेशा कहां? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा कहां से कहां फिक्स करोगे? नॉर्थ टू साउथ। अगर हम लोग प्रिज्यूम करें कि ये वाला डायरेक्शन क्या है? साउथ। कंफर्टेबल लग रहा है सबको? ये वाला नॉर्थ कि ऐसा करूं ये वाला? सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। मेरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ सेट हो गई क्या? मेरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ क्या हो गई? सेट हो गई। अब सुनो, जब करंट मेरी तरफ है, जब करंट मेरी तरफ है तो फोर्स कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है? जब करंट नीचे है तब फोर्स कहाँ है? मेरी तरफ, ठीक है? अगर अगर अभी मेरे को बोर्ड मान ले या मुझे प्लेन ऑफ पेपर मांग ले तो फोर्स का डायरेक्शन क्या लिखोगे? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, नेक्स्ट, करंट तुम्हारी तरफ है तो फोर्स का है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और अगर करंट ऊपर है तो फोर्स का है? तुम्हारी तरफ, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो तुमको बोलेंगे कि ये आपका जो पेपर है ना, तुम्हारा प्लेन क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा प्लेन क्या हो जाएगा? ये। अब ऐसे में अगर तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देकर रखते, ऐसे में तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देकर रखते? ये है तुम्हारा ईस्ट टू वेस्ट, ये है तुम्हारा ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या देकर रखते हैं? ईस्ट टू वेस्ट देकर रखते, तो अपन ने ऐसे बना लिया इसको, ठीक है? करंट कहाँ है? बोर्ड की तरफ। तो फोर्स कहाँ होगा? अगेन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये तुम्हारा प्लेन है, टेबल है, तुमने कॉपी कहाँ रखी होगी अपने एग्जाम के टाइम पे? तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है? लेकिन करंट नीचे, करंट वर्टिकली, करंट क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। करंट क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो फोर्स देखो कहाँ लग रहा है?
मेरी तरफ, ठीक है, करंट तुम्हारी तरफ है, तब वो क्या हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आ रही बात समझ में, और करंट ऊपर होता है तो फिर तुम्हारा, आ रही है क्या बात समझ में। अब तुमको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये बना दी मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये बना दी मैग्नेटिक फील्ड। फिर बोलेंगे जहां आप बैठे हो वहां पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप इस बॉल को स्ट्राइक करके बैठे हो, यहां पीछे से आगे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पीछे से आगे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो करंट कहाँ होगा, आगे से पीछे, तो फील्ड को छेड़ा क्या, नहीं, सिर्फ करंट कहाँ कर दिया, ये वाला डायरेक्शन में, करंट देखो ये वाला डायरेक्शन में कर दिया, मेरी उंगली पीछे की तरफ चली गई, अब फोर्स कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, व्हाट इट, आया समझ में। वैसी कहानी अगर तुम लोग को बोलते प्रोटॉन इधर जा रहा है तो करंट प्रोटॉन के साथ ही जाएगा क्या, करंट सिर्फ किसके उल्टा जाता है, इलेक्ट्रॉन के, तुमको प्रोटॉन प्रोटॉन आ रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, प्रोटॉन के साथ, तुमको अल्फा पार्टिकल बोला है तो करंट किसके साथ जाएगा, अल्फा पार्टिकल, करंट का डायरेक्शन रिवर्स सब करेंगे इलेक्ट्रॉन जब आता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में, यानी कि नेगेटिव चीज के केस में करंट का डायरेक्शन क्या कर देंगे, रिवर्स, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस जहां अल्फा पार्टिकल जा रहा है करंट भी वही, जहां प्रोटॉन जा रहा है करंट भी वही, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब बात करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्या बोलेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जब हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करेंगे कहानी फिर वही होगी, कैसे, स्ट्रेच द फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब, स्ट्रेच द फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। If the forefinger gives the direction of the magnetic field, पिछली बार भी forefinger ने क्या दिया था? Direction of the magnetic field. The thumb gives the direction of motion. The thumb gives the direction of motion. Then the direction in which the middle finger points. Then the direction in which the middle finger points gives the direction of induced current. कौन सा direction? Induced current. चीख चीख के induced क्यों बोल रहे हो? चीक-चीक के इंड्यूस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जेब में से राइट हैंड सिर्फ तब निकालोगे जब कौन सा वर्ड आ जाएगा, अदरवाइज लेफ्ट हैंड रूल ही लगना है, बोल। अब अगेन ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्या कि यहाँ पर भी तुम क्या करोगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दोगे, सबसे पहले क्या कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, अब तुमको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दो क्योंकि मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना, तुमको बोलता है नीचे जा रहा है तो नीचे जाने दो, आ रही बात समझ, तुम्हें बोलते हैं बोर्ड, मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है तो अंदर जाने दो, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर आ रहा है तो बाहर जाने दो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या कर दी फिक्स, और अगर तुमको ऐसे जम रहा है तो ऐसे देख ले, ये ईस्ट टू वेस्ट ऑन हमारी मैग्नेटिक फील्ड या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या आ रहा है बोर्ड के अंदर तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, तुम्हारी कॉपी में हो सकता है इसी चीज को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कब हमको नॉर्थ लेना है और कब हम लोग को वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड लेना है, तो ध्यान से सुनो, अगर वो लोग आपको प्लेन ऑफ पेपर दे रहे हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा करें, ठीक है, तो अगर ऐसा वर्टिकल प्लेन है, बोर्ड जैसा प्लेन है, तो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, अब जो डायरेक्शन इस प्लेन पे नहीं आएगा वो यहाँ पर यहाँ तो आएगा क्या, इनसाइड, इनसाइड के लिए हमेशा क्या लगाते हैं क्रॉस, और या फिर आउटसाइड जिसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो समझ में आया, लेकिन अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल हुआ ऐसा तो तुम्हारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बनेंगे, ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बनेंगे, ऐसे, तो अब क्या होगा, ऊपर यहाँ और नीचे यहाँ, तो हमेशा कोशिश करना नॉर्थ साउथ हमेशा प्लेन पर बनाओ, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमेशा क्या होने चाहिए, या तो वर्टिकल प्लेन पे ऐसे या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे, अनलेस अदरवाइज इट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, इज दैट क्लियर, तो
हमें पूछा कि यार ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और हमको करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स का टेन रूल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा? स्टेट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दे देंगे? एक प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्रैश। हाँ ठीक है, जीवन में गलती से पेपर टफ आ गया, जीवन में गलती से पेपर क्या आ गया? टफ। तो वो लोग आपके साथ एक खेल करें, वो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन दे देंगे। क्या दे देंगे? इलेक्ट्रॉन। कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा है? ऐसा। अब जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जाएगा? अब सुनो, नहीं अब तुम निकालो मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? राइट हैंड रूल। ये नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अब तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, भी आ गया। अब निकालो फोर्स। यानी कि पहले आप क्या करोगे? राइट हैंड रूल से क्या निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है कि इस साइड से क्या आ रही है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है? बाहर। तो ये मेरी फील्ड, ये मेरा करंट और फोर्स कहाँ लग रहा है? आया मतलब? क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है? हाँ। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है? हाँ। तो यहाँ हमने क्या करा, हम लोगों ने दो बातें देखी। पहला तो हमको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुझे क्या मिल गया? करंट का डायरेक्शन। लेकिन वो मुझसे क्या चाह रहे? फोर्स। किस पे चीज? एक पार्टिकल है जो यहाँ पर है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से मुझे दिखा कि करंट के राइट साइड पे या कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का है? बाहर। कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का है? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रखी? बाहर। करंट कहाँ? नीचे। तो फोर्स का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। आया मजा? ठीक है, ये क्वेश्चन कब आएगा? जब पेपर भयंकर टफ बनता है, पर क्या हम टफेस्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड है? हाँ। इससे ऊपर कुछ आ सकता है? नहीं। Is that clear? बोल दंगी। Focus. ध्यान से सुनो। Second question जो इस chapter से बनता है, वो बनता है कि इसमें magnetic lines of forces पे। किसपे बनता है? Magnetic lines of forces पे। Magnetic lines of forces पे primarily तीन तरह के questions आ सकते हैं। कितने तरह के questions आ सकते हैं? तीन। पहला type of question क्या होगा? नहीं। Plot करने के लिए। जिसमें एग्जाम को, जिसकी एग्जाम में आने में प्रोबेबिलिटी बहुत लो, क्योंकि अगर वो प्लॉट करने का पूछेंगे तो कम से कम उनको 3-5 मार्क का क्वेश्चन पूछना रहेगा और वो क्वेश्चन इस पे जाया नहीं करेगा। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा किस पे? प्रॉपर्टीज पे। क्या क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है? हाँ। और तीसरा आएगा ड्रॉ करने। ठीक है, क्या पहली बात करें प्लॉट करने की, तो प्लॉट करने की हम लोगों ने दो तरीके सीखे थे। पहला तरीका क्या था कि हम लोग एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे, इसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख देंगे और यहाँ पर बहुत सारी आयरन बेल्स क्या कर देंगे? स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारी क्या कर देंगे? स्प्रिंकल कर देंगे। इसको हिल रहा है क्या? हाथ डाल अपने टेबल पे से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बहुत सारी आयरन बेल्स क्या कर देंगे? स्प्रिंकल कर देंगे। टैप 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 करेंगे। ये अपने आप को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में अपने आप क्या कर देगी? अलाइन कर देगी कुछ इस तरह। आया समझ में? ये हुई कहानी नंबर 1। ठीक है, कहानी नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे? एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे, यहाँ पर बार मैग्नेट रखेंगे और यहाँ एक कंपास रखेंगे। यहाँ एक क्या रखेंगे? कंपास। ये अगर नॉर्थ है और ये अगर साउथ है तो कंपास अपने फादर्स नॉर्थ पे जाके टिकेगा। ये मेरा N1 होगा। फिर इस कंपास को उठा के यहाँ रखेंगे, फिर इस कंपास को उठा के यहाँ रखेंगे, फिर इस ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक हम लोग कहाँ तक नहीं आ जाए? साउथ। आई बात समझ? तो ये क्या है? दूसरा तरीका है प्लॉट करने का, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा है ये एग्जाम में आ सकता है, और आ भी जाए तो मैंने तो बढ़ा दिया। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी? पहली बात, ये क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप्स।
यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, इसका एंड पॉइंट कुछ नहीं होता, ये सर्कुलर लूप्स होते, लूप्स होते, स्टार्टिंग फिनिशिंग नहीं होती। लेकिन देखा जाए तो ये मूव करते हैं नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तीसरी बार इनकी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, कि ये पास पास जहां पर होगी, ये पास पास जहां पर होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, और ये दूर दूर जहां पर होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक। तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ मतलब क्या, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो जहां ये पास पास है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग, जहां ये दूर दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेगी, वीक। इज दैट क्लियर। दूसरी कहानी, tangent at any point, tangent at any point would give me the direction of magnetic field at that point. Tangent at any point on a magnetic, on a magnetic line of force would give me the direction of magnetic field at that point. ठीक है क्या? ठीक है ना? यानी कि अगर ये मेरी line of force है, ये curve है, इस point पे अगर मैं tangent बनाऊंगी तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, field का direction। इस पॉइंट पे मैं टैंजेंट बनाऊंगी तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आने वाली है, छप चुकी है, वो क्या है, टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस बात का मतलब क्या हुआ कि दो लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्यों, तो हम लोग बोलेंगे अगर इंटरसेक्ट करेगी, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट बनेंगे। दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन जो पॉसिबल नहीं है अमल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक, हमेशा सुना कर्व पे जब भी आप टेंजेंट बनाओगे कर्व के हर पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अलग। इसलिए हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अलग, लेकिन वो अपने आप में एक यूनिक डायरेक्शन होता है। यानी कि एक पॉइंट पे उसका कितने डायरेक्शन हो सकते हैं, एक ही। इज दैट क्लियर? थर्ड, तीसरी चीज आती है कौन सी, ड्रॉ करने के लिए, क्या करने की, ड्रॉ। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर अ, पहला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पहला किसके लिए आ जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी बनेगी, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, कैसी बनेगी, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। दूसरी बात, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आता है, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आता है तो क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, विथ देयर सेंटर एट द कंडक्टर, सेंटर एट द कंडक्टर। क्या डायरेक्शन यहाँ पे भी बताना जरूरी है, हाँ, किस किसका, करंट का भी और लाइंस ऑफ फोर्सेस का, करंट का भी और लाइंस ऑफ फोर्सेस का भी। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस देखो कैसी जाएगी, अंदर की तरफ। आधी बात समझ में, यानी कि यहाँ पे एरोस कहाँ बनेंगे, अंदर, और यहाँ एरोस कहाँ बनेंगे, बाहर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तीसरी चीज आएगी इसके बाद सर्कुलर कॉइल। तीसरी चीज क्या आएगी, सर्कुलर कॉइल। अगर सर्कुलर कॉइल आती है, ठीक है, अगर सर्कुलर कॉइल आती है तो ऐसे क्या करोगे, एक सर्कुलर कॉइल बनाओगे, इसके दो सेंटर पकड़ोगे, ठीक है, इस पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बड़े 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 बड़े,
इस पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस पे, और ये बड़े 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 बड़े, इज दैट क्लियर? तो एक सर्क्यूलर लूप के लिए मतलब कैसी फील्ड लाइंस बनाएंगे, ऐसे, ठीक है क्या? इसके बाद बोलेंगे बार मैग्नेट की, तो बता दिए तुमको, और किस, ये किसका, ये सर्क्यूलर लूप का, ये किसका था, स्ट्रेट कंडक्टर, ये किसका है, स्ट्रेट कंडक्टर, ये किसका है, सर्क्यूलर लूप, और अगर बोलते हैं सोलेनोइड की बनाओ तो कैसे बनेगी, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसे, अगर कहेंगे किसकी बनाओ, सोलेनोइड की बनाओ, तो बिल्कुल कैसे बनेगी, बार मैग्नेट जैसे, पहले तो सोलेनोइड बना देना, है ना, ज्यादा बड़ा बना के रहते फैलाने क्या नहीं, ठीक है ना, अच्छा, इनसाइड द बार मैग्नेट और इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी रहती है, यूनिफॉर्म, यानी कि अंदर की तरफ तुम्हें ऐसे दिखाना रहेगा कि थोड़ी थोड़ी लाइंस क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, थोड़ी थोड़ी लाइंस एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल है, ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि एक सोलेनोइड के अंदर और एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है क्या, तो जवाब है नहीं, क्या होती है, यूनिफॉर्म, कैसी होती है, यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज uniform, is it zero, no, is it infinite, no, it is uniform, is that clear, bolo koi pareshani, straight conductor ki baat karte hain, to jaise 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 hum conductor se door jate jayenge waise waise field weak hoti jayegi, jaise jaise hum log door jate jayenge waise waise field kya hoti jayegi, weak hoti jayegi, मतलब अंदर के सर्कल को मैं फास्ट फास्ट बनाने हैं, लेकिन जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाओगे तो आपको सर्कल्स भी कैसे बनाने, बड़े बड़े बनाने, बड़े बड़े, कॉटेज, चाहे वो सर्कुलर के लिए हो चाहे वो स्ट्रेट के लिए हो, ठीक है, आती है, वो आती है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग, पहला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दूसरा फोर्स, तीसरा इंड्यूस करंट पे एग्जाम में क्वेश्चन 90% शोरों में के नहीं आएगा, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे या फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स पूछेंगे, हमेशा है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, करंट, जाहिर सी बात है कि करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, इनवर्स रिलेशन का मतलब है जैसे हम लोग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे, जिस पॉइंट में मैं मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर रही हूँ, जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर रही हूँ, उस पॉइंट पर वो पॉइंट मेरे कंडक्टर से जितना दूर हुआ, वो पॉइंट मेरे कंडक्टर से जितना दूर हुआ मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होगी, और वो पॉइंट मेरे कंडक्टर के जितना पास हुआ मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, इज दैट क्लियर? If it's a coil, number of turns in the coil. यानी कि coil के अंदर अगर number of turns ज़्यादा है, तो magnetic field strong है. Coil के अंदर number of turns कम है, तो magnetic field weak है. ठीक है. Force के लिए अगर यही कहानी की बात करें, तो पहली कहानी होगी again current. जितना ज़्यादा current उतना ज्यादा फोर्स, जितना कम करंट उतना कम फोर्स, पहले मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी बात क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स, जितनी वीक मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक फोर्स, गॉट इट, गुड, ओरिएंटेशन या फिर कहें थीटा, हमको फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, या हम ये कहें कि मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, तो मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, जब
करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे होगी. परपेंडिकुलर. मैक्सिमम फोर्स कब आएगा? व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इज दैट क्लियर? और यही सेम कहानी क्या आएगी इंड्यूस करंट के लिए. जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा. जितना ज्यादा चेंज जितने कम टाइम में हुआ, जितना ज्यादा चेंज जितने कम टाइम में उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट होगा. इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी? यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या आ सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ परमानेंट, बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड अ सोलेनोइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिफरेंसेस पूछते हैं. ठीक है, तो ध्यान से सुन लो, बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ. परमानेंट मैग्नेट ऑलवेज शोज मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट ऑलवेज शोज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट शोज मैग्नेटिज्म ओनली इन प्रेजेंस ऑफ करंट. द पोलैरिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स, मतलब उसका नॉर्थ और साउथ फिक्स होता है. तो पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. थर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड. परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है ये क्या होती है? फिक्स होती है. द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द इनर कोर. आई बात समझ में? ठीक है, परमानेंट मैग्नेट इवेंचुअली आफ्टर सम इयर्स मैग्नेटिज्म अपने आप लूज कर देगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिज्म लूज करता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जब जब करंट आएगा वो मैग्नेटिज्म शो करेगा. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है या सोलेनोइड क्या होता है, तो सोलेनोइड क्या होती है? सोलेनोइड इज अ वायर कंटेनिंग एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट. व्हेन अ सॉफ्ट एंड व्हेन अ सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस? सॉफ्ट आयरन कोर या कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. हम लोग सोलेनोइड की तरफ सोलेनोइड में क्या रखेंगे? रखेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएगी. और इसी तरह के सोलेनोइड जिसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डला हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट. उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इज दैट क्लियर?